ठीक है, ये सारे फ्रूट्स जल्दी से काटो और छोटी से कहो कबाब की तैयारी करे। चलो जी मैम। आज के जमाने में इतने अच्छे और सच्चे रिपोर्टर कहाँ मिलते हैं। मजाज खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए। मजाज खान जैसे पत्रकारों की समाज को बहुत जरूरत है। आज मजाज खान ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। गुड्डू व्हाट टू डू, वैसे ही इसने हमारे काम में टांग अड़ा के रखी हुई है। मजाज खान एक उम्दा पत्रकार जिन्होंने स्कूल की जमीन को नीलाम होने से बचाया। मजाज खान वो आवाज जो आज उभर कर आई है, जो किसी के आगे झुक नहीं सकती, किसी के आगे दब नहीं सकती। लोग देवता बना के फिर रहे हैं इसको। सच्ची कह रही हूँ गुड्डू, अगर हमने इसका इलाज नहीं किया ना तो ये हमारे लिए जानलेवा बीमारी बन सकता है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? बहरे हो क्या? कहाँ ना जाके किचन में काम करो। सब इलाज कर लिया, अब और क्या कर सकते हैं? हमें कोई नया तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा गुड्डू, वरना हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और ये हमारा नुकसान पे नुकसान करता रहेगा। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम सरासर गलत हैं। मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूं और मजाज खान के ऊपर सबूत इकट्ठा कर मनहानी का दावा पेश करूं। जर्नलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, कोई इसके साथ होता है और कोई इसका निशाना बन जाता है। शहरी का सायरन तो कितने जल्दी बज जाता है, लेकिन इफ्तारी के सायरन के वक्त ही इनकी नानी मर गई। अल्लाह, ज़बान संभाल के, रोजा चल रहा है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रही हूँ कि सायरन बजने में कितना टाइम लग रहा है और भूख के मारे मेरी तो जान निकले जा रही है। अबू आपसे कहा था ना रोजे मत रखिए, अब देखिए आपको ही तकलीफ हो रही है। दादा हुजूर, आपको भी मेरे साथ आदिदार का रोजा रखना चाहिए था। ये क्या अटाएं शटाएं भगती रहती हैं आप? वही आदिदार पूरी दाड़ का कोई रोजा नहीं होता। नहीं होता है? अम्मी आपने मुझे सच में बुद्धू बनाया ना? नन्ने भी मेरा मजाक उड़ा रहा था कि आदिदार का रोजा कुछ नहीं होता है। नन्ने, ये क्या नन्ने नन्ने लगा रखा है, है कौन ये नन्ने? फवाद मेरा दुश्मन। महल स्पेशल इफ्तारी के लिए स्पेशल चिकन। एक तो सायरन बजने का नाम नहीं ले रहा है, भूख के मारे जान निकल रही है और ऊपर से जला हुआ खाना। जला हुआ नहीं है, बर्न चिकन। मुझे लगता है मुझे एक ब्लॉग लिखना चाहिए और अपनी इफ्तारी की स्पेशल डिश शेयर करनी चाहिए, है ना? वाह, कितनी बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है। भाभी जान, ये आपके हाथ के खाने की खुशबू है जो हमेशा मुझे आपके घर खींच के ले आती है। आइए आइए। अरे मियाँ, ये खाने की खुशबू नहीं, अफ्तारी की खुशबू है। खाने में अभी देर है। और चांदनी, आज तो एकदम चांदनी चांदनी हो रखे हो हैं। क्या लिख रहे हो भाई? वाह, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। तू भी मानेगा नहीं, दूसरों के फटे में टांग अड़ाए बिना तेरा भी गुजारा नहीं। मैदान जंग छोड़ के भागने वालों में से नहीं है हम, सच को अपनी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी इफ्तार का वक्त होने वाला है, आ जाइए। अरे बुढ़ाऊ, आपने भी रोजा रखा है? चलो अच्छा है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा रहेगा तो इधर उधर नहीं लगेगा ना। हमें लगता है कि अगर आप अपने ध्यान को खुद पर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। दादा, आप तो हमेशा मरियम के लिए दुआ करती हैं, आज मेरे लिए भी दुआ मांग लीजिए। हाँ जरूर। मेरी तो ऊपर वाले से सिर्फ एक ही गुजारिश है, मेरी मेहर के लिए अच्छा सा लड़का दिलवा दे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों अम्मी, आपको मेरी शादी की इतनी क्या जल्दी है? अम्मी मुझे लॉयर बनना है, मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आप मेरे लॉयर बनने की दुआ क्यों नहीं मांगती? बेटा उसके लिए भी करती हूँ, लेकिन शादी हो जाए उसके बाद लॉयर बन जाइएगा ना। इतनी जल्दी क्या है, अभी छोटी है वो, जब वक्त आएगा तब हो ही जाएगी। अब खामखा फिक्र कर रही है इसकी।
लेकिन एक माँ को तो चिंता होगी ना अपनी बेटी की। हाँ लेकिन मजाज भी तो ठीक कह रहे हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? एक माँ अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए दुआ मांगती है, तो इसमें गलती क्या है? आप सब तो बेवजह मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं। मुझे लगता है इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं। आई एम नॉट वॉन्टेड। सारे काम सिर्फ अम्मी को करने पड़ते हैं। अम्मी बहुत सैड है, उन्हें लगता है वो वांटेड नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। नंबर वन प्रेयर है मेरी अम्मी के लिए, उन्हें आप बहुत खुश कर दो, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नंबर टू प्रेयर, मुझे मेरा रोल मॉडल दिलवा दो। मरियम को उसके मामू जान और मोमानी जान मिल जाए। मेरे रेड कार वाले वुड बॉय को उनके फूफा और फूफी जान मिल जाए। बिस्मिल्लाह। होमवर्क कर दीजिए। अब्बू रोल मॉडल क्या होता है? मेरा रोल मॉडल कौन होगा? ऐसे लिखना है, माय रोल मॉडल। थोड़ी देर से कराते हैं बेटा। अब्बू मेरा जो प्रोजेक्ट होगा ना, मैं उसकी फोटो खुद खींचूंगी। आप मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। बाकी सब बच्चे तो पेपर में से कट करके लाएंगे। मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। I'm sure. अब्बू वो स्कूल के इवेंट के फोटोज कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटा। अब्बू ये फोटो किसका है और उनके नीचे क्या लिखा है? बेटा वांटेड लिखा हुआ है। वांटेड? वांटेड मतलब तो चाहिए होता है ना? ये आदमी किसको चाहिए? बेटा वो जी आपके लेआउट्स रेडी है, आप भेज दीजिए किसी को। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।